हाय, वेलकम टू द रियल बैंकिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यूनीपे वन थर्ड कार्ड को हम कैसे क्लोज करवा सकते हैं, कैसे हम इसको डीएक्टिवेट करवाना है, कैसे हमें बंद करवाना है, और दोस्तों बंद करवाने के बाद में हमको एनओसी कैसे लेनी है, क्योंकि दोस्तों एनओसी लेना काफी ज्यादा जरूरी रहता है। अब यहाँ पे हम देखें तो आप देख सकते हैं यूनीपे की ऑफिशियल वेबसाइट हमको मिल जाएगी, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। पहले दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो कि काफी ज्यादा जरूरी है, ध्यान में रखिए। अकाउंट है, जब भी आप अपना क्लोज करवाते हैं तो क्लोज में क्या होता है कि आपका सारा बायोडाटा, जितना भी आपका ट्रांजेक्शन व्रांजेक्शन जो भी चीजें रहती हैं, वो आगे से हट जाती है, उनके पास भी डाटा नहीं रहता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया था, 5 साल का डाटा रखना मैंडेटरी है। तो 5 साल का जब वो डाटा रखेंगे तो उनको आप वो आपका अकाउंट तो क्लोज नहीं कर सकते, तो वो फिर वो क्या करेंगे, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करेंगे। क्लोज और डीएक्टिवेट में केवल इतना फर्क है कि उनके पास आपका थोड़ा डाटा रहेगा 5 साल के लिए, वो भी रूल है। इसीलिए काफी लोग ये कह रहे थे कॉल करके अकाउंट है बंद करवा सकते हैं, मैं आपको कहूंगा प्लीज कॉल करके अपना अकाउंट बंद मत करवाइए। आपके पास कोई भी जेन्युइन प्रूफ नहीं रहेगा, जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो कभी कभार खो भी जाती है और वो एक जेन्युइन प्रूफ नहीं माना जाता है। तो आपको क्या करना है, ईमेल ही करना है। ईमेल एक बहुत ही ज्यादा जेन्युइन प्रूफ है जो कि एक्सेप्ट किया जाता है हर जगह। यहां पे आप देखें तो आपको गूगल का ऑप्शन मिल जाएगा और यहां पे आपको जीमेल का ऑप्शन मिल जाएगा, इसी एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। आप दोस्तों देखें तो मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था यूनीपे कार्ड, यहां पर कस्टमर ईमेल आईडी, तो हमें ईमेल आईडी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल चुकी है। परंतु ध्यान में रखिए, कभी भी अगर ईमेल आईडी चेंज होती है तो आपको इंटरनेट पर सर्च करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आपको ईमेल का ऑप्शन मिलेगा तो आपको ओपन कर लेना है। मेरे रखिए दोस्तों, अकाउंट है वो डीएक्टिवेट करवाने के बाद में आपको क्या करना है, एनओसी के लिए डिमांड करना है अगर आप चाहते हैं तो। और ध्यान में रखिए, एनओसी आपको बाय पोस्ट नहीं मंगवानी है, क्योंकि काफी बार मैंने देखा है काफी लोगों ने मंगवाई पर उनके घर तक नहीं पहुंची है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप एनओसी है वो ईमेल के थ्रू ले लें। दोस्तों यहां पे आप देखें तो अकाउंट डीएक्टिवेशन आपको सब्जेक्ट में लिखना है, उसके बाद में कंपोज ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना ईमेल लिखेंगे, आई एम रियल बैंकिंग। आपको रियल बैंकिंग की जगह अपना नाम लिखना है, फिर लिखा है आई वॉन्ट टू डीएक्टिवेट माई अकाउंट फॉर परमानेंटली, आपको यहाँ पे परमानेंटली जरूर लिखना है। उसके बाद में ध्यान ये रखिए, उसके बाद में दोस्तों ध्यान रखने वाला एक बात ये है कि आपको अपने अकाउंट के जितने भी ड्यूज हैं, जितने भी आपके पेमेंट बाकी हैं, वो सारे के सारे क्लियर कर देने हैं। अगर आपके पेमेंट बाकी है और आपने बिल क्लियर नहीं किया है तो आपको यहाँ पे अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होगा। आपको सारे अपने पहले स्टेटमेंट है उनको क्लियर करवा देना है, अपने जितने भी बिल्स हैं उनको क्लियर करवा दीजिए, आपका कोई भी यहाँ पे बाकी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद में आपको ये ईमेल लिखना है। तो ध्यान में रखिए, जब भी आप ये ईमेल उनको सेंड कर रहे हैं तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से ही उनको सेंड करना है। मैं वापस बोल रहा हूं, वही चीज काफी लोग यही गलती करते हैं, आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से ही उनको मेल भेजना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस वापस लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखने के बाद में हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। मोबाइल नंबर कौन सा, वो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है वही यहाँ पे लिखना है 10 डिजिट का। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक रीजन लिखना है, रीजन क्या होना चाहिए, एकदम वैलिड और सिंपल रीजन होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे ईमेल लिख रहे हैं एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। हम लिखेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, अगर आपका कोई दूसरा रीजन है तो आप वो भी इनको बता सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिख लिया है आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। नीचे लिखेंगे थैंक्स एंड रिगार्ड्स रियल बैंकिंग, आपको अपना पूरा नाम लिखना है और यहाँ पे आप लिखना है प्लीज डीएक्टिवेट माई अकाउंट एज सून एज पॉसिबल, थैंक्स एंड बेस्ट रिगार्ड्स रियल बैंकिंग। की जगह आपको अपना पूरा नाम लिखना है, सिंपल सा ईमेल है उनको भेज देना है, वो 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपको एक टिकट नंबर दे देंगे, आपको कंफर्मेशन करवा देंगे उनके पास आपका ईमेल पहुंच चुका है। जैसे ही उनके पास आपका ईमेल पहुंचता है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका अकाउंट है वो डीएक्टिवेट करवा दिया जाएगा। अकाउंट डीएक्टिवेट करवाने के बाद में आपको अपनी एनओसी की डिमांड करनी है अगर आपको चाहिए तो। काफी लोगों को एनओसी नहीं चाहिए तो उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। दोस्तों आशा करता हूं जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज अब तक पहुंचाई आप सभी के लिए फायदेमंद रही होगी। इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।